हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, मतलब कि एक अल्कोहल ग्रुप का है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, और कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं अ सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। फ्रूट के स्मेल के साथ एक सब्सटेंस बनता है, फ्रूट का स्मेल जैसा उसका स्मेल होता है, तो हम लोग को उसी से रिलेट आंसर करना है। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड, हम लोग को उसका कंपाउंड से क्लास बताना है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, या उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, टू विच द फ्रूटी स्मेल कंपाउंड्स बिलोंग। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और हम लोग को केमिकल इक्वेशन भी लिखना है रिएक्शन का। राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, और जो प्रोडक्ट बना है उसका केमिकल नेम भी लिखना है। और दूसरा है स्टेट द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 इन दिस रिएक्शन, रिएक्शन में H2SO4 का क्या रोल है, ये भी हम लोग को पता करना है। तो पहला का आंसर देखो हम लोग लिखते हैं, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनॉइक एसिड से, तो इथेनॉल के बारे में बात करें तो CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, और ये किससे रिएक्ट करता है, ये करता है इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करता है। इथेनॉइक एसिड को अगर हम लोग इस तरह से बनाएं CH3COOH, तो ये भी एक इथेनोइक एसिड है और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, वो भी कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि यहाँ से ये ऐसे करके ब्रेक कर जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H आयन निकल जाता है और ये आपस में टूट जाते हैं और ब्रेक होकर H2O बना लेते हैं, बाकी जो बचता है वो एक साथ आ जाता है, तो बच क्या रहा है CH3CH2O CH3, तो ये इस तरह से कंपाउंड बनता है और साथ में बनता है H2O। इसका नाम क्या है, तो ये एक्चुअली में ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, ओके, और इस तरफ में R से ही जुड़े रहते हैं, ये R डैश हो गया, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे COO इस तरफ में पहले से मिथाइल प्रेजेंट है और इस तरफ में हम लोग को इथाइल प्रेजेंट है, ये भी R है और ये भी R है, तो ये ईस्टर ग्रुप के मेंबर है, ईस्टर एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, वो ये ईस्टर ग्रुप के ये मेंबर हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया और ये ईस्टर ग्रुप के हैं। दिस कंपाउंड इज बिलोंग्स टू ईस्टर ग्रुप एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन, इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। ओके, और अगर यहाँ पे बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन का कि स्टेट द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 इन दिस रिएक्शन, तो H2SO4 यहाँ पे क्या रोल निभा रहा है, तो H2SO4 यहाँ पे दो रोल निभा रहा है, एक तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है जो कि, और प्रमोटर की तरह भी, तो प्रमोटर क्या काम करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, तो यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और साथ में H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। H2SO4 is act as dehydrating agent and also a also act as promoter, या फिर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट आप ये भी बोल सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।